हाय दोस्तों, मैं मनीष शर्मा, सिविल क्रिएटर, यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किस किस तरह की ड्राइंग्स जो है यूज होती हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ड्राइंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू स्टार्ट एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सब ड्राइंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स फॉर डिफरेंट पर्पज। यहाँ पर बहुत सी ड्राइंग होती हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए, डिफरेंट ड्राइंग हमारे पास होती हैं। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। इस आर्टिकल में हम अलग अलग तरीके की ड्राइंग्स के बारे कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स के बारे में हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स प्रोवाइड डिटेल मेजरमेंट्स एंड क्लियर सेक्शन ऑफ एवरी बिल्डिंग पार्ट्स। जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स हैं वो हमारे को मेजरमेंट डिटेल और सेक्शन वाइज बिल्डिंग की हर चीज़ हमें प्रोवाइड कराती हैं। आफ्टर रिव्यूइंग द ड्राइंग्स आर जस्टिफाइड, मोडिफाइड, फाइनली अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। जब हम ड्राइंग को रिव्यू करने के बाद जस्टिफाइड भी किया जाता है, मॉडिफाई भी किया जाता है, उसके बाद फाइनली इसको अप्रूव्ड किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिस्टेड हेयर। तो अब हम ये डिफरेंट टाइप जो भी हमारी ड्राइंग्स होती हैं वो हम उसके बारे में बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो ड्राइंग है वो हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग। दिस टाइप ऑफ ड्राइंग प्रोवाइड कंप्लीट व्यू ऑफ अ बिल्डिंग। ये इस टाइप की जो भी ड्राइंग होती है वो हमें कंप्लीट व्यू दिखाती है या प्रोवाइड कराती है। इट डेमोंस्ट्रेट द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल बिल्डिंग पार्ट्स, वेयर दे विल बी प्लेस्ड। देयर आर डिफरेंट नेम्स सच एज प्लान, एलिवेशन, सेक्शन। ये जो है हमें ये आर्किटेक्चुरल ड्राइंग हमें बिल्डिंग की लोकेशंस को बताती है कि डिफरेंट हमारी बिल्डिंग्स के जो भी पार्ट्स हैं या जो भी जगह हैं वो किस किस जगह पर हमारी बननी है। ये आर्किटेक्चुरल ड्राइंग का काम होता है। यहाँ पर जैसे कि नेम हो सकते हैं उन ड्राइंग के, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, ये हमारी आर्किटेक्चुरल ड्राइंग्स के नेम होते हैं। तो दोस्तों, अगला जो है वो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ ड्राइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर मटेरियल, ग्रेड साइज, प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट एटसेट्रा। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो होती हैं वो हमें स्ट्रक्चर के बारे में ही जानकारी देती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, उसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, स्ट्रक्चर का मटेरियल किस टाइप का होगा, उसके ग्रेड क्या होंगे, या उसका साइज़ क्या होगा मटेरियल का, या रेनफोर्समेंट वगैरह की जो प्लेसमेंट होती है वो क्या होगी, वो हमारी सारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर आती हैं। जैसे कि हम जहाँ से बार बेंडिंग शेड्यूल भी निकालते हैं, वो ड्राइंग भी हमारी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर आती है। सारी ड्राइंग्स हैं, ये सारी ड्राइंग जिसने भी हमारे ग्रेड, साइज वगैरह सारे दे रखे होते हैं, ये सब स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, तीसरी जो ड्राइंग आती है वो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। दिस टाइप ऑफ ड्राइंग्स प्रोवाइड द डिटेल एंड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग, फीचर्स, सब स्टेशन एटसेट्रा। दिस इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेटेड ऑल्सो गिवन इन द ड्राइंग। जो इलेक्ट्रिकल जो ड्राइंग है उनमें जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फीचर्स या सब स्टेशन से मतलब जो भी हमारे पॉइंट्स वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिक के, वो सारे के सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं या उसमें दिखे उसमें होते हैं, और इलेक्ट्रिकल का जो भी लोड होता है वो भी उसी में ही गिवन होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में। तो इस ड्राइंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है प्लम्बिंग एंड सैनिटरी ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी ड्राइंग्स को भी। कंस्ट्रक्शन लाइन में सर मेन पॉइंट इसी का ही होता है, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी ड्राइंग्स। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं साइट पे या बिल्डिंग बनने के बाद, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में आती है, क्योंकि ये बिल्डिंग की अपीयरेंस को ख़राब कर सकता है, करता है, और बहुत ही ज़्यादा इसके लिए केयरफुल होने की ज़रूरत होती है इस काम में, प्लम्बिंग और सैनिटरी के काम में, क्योंकि पानी कहीं से भी निकल सकता है। अगर आप देख सकते हैं कि अगर हमने कोई भी पाइपलाइंस वगैरह या कुछ भी अंडर द वॉल कराई हैं, वॉल के अंदर हैं,
और उसमें कोई भी लीकेज हो जाती है तो तुम्हारी पूरी वॉल का वहाँ से नुकसान होता है और वो क्लियरली प्रॉब्लम दिखती है। कहीं भी हो, प्लम्बिंग का काम छुपता नहीं है, अगर इसमें कोई कमी हो तो वो दिखाई ज़रूर देती है। तो दोस्तों, दीज ड्राइंग्स गिव द लोकेशन ऑफ सैनिटरी पाइपिंग फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम फिक्चर्स एंड प्रोसेस टू कनेक्ट एवरी फीचर एटसेट्रा। जो इस सैनिटरी टाइप प्लम्बिंग एंड सैनिटरी ड्राइंग जो होती है, इसमें लोकेशन दी रखी होती है कि सैनिटरी या पाइपिंग पाइप लाइन वगैरह कहाँ से हमारी जानी है या किस साइज की जानी है, इनका सिस्टम क्या रहना है, इसके प्रोसेस क्या है, किस पर्पज़ से हमारी यूज की जा रही है, वो सारी चीज़ें हमारी प्लम्बिंग और सैनिटरी ड्राइंग्स में प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों, लास्ट ड्राइंग आती है हमारी फिनिशिंग ड्राइंग। दिस टाइप ऑफ ड्राइंग्स कंटेन द डिटेल्स ऑफ फिनिशिंग एंड अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग सच एज मार्बल टाइल्स एट्सेट्रा। तो दोस्तों, फिनिशिंग ड्राइंग्स में होता क्या है कि इसमें हमारी फिनिशिंग आइटम्स जो होती हैं उनको दर्शाया जाता है या उनको किस तरीके से यूज होना है, वो सारी चीज़ें हमारी इस फिनिशिंग ड्राइंग्स में होती हैं। जैसे कि अगर हमने कहीं भी टाइल लगवानी है तो ये फिनिशिंग ड्राइंग्स में उसमें बाकायदा टाइल को लोकेट कर रखा होगा कि हमारा फिनिशिंग ऐसी होनी चाहिए, तो बेटर अपीयरेंस के लिए फिनिशिंग ड्राइंग्स का प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि हमारा अपीयरेंस बिल्डिंग का अच्छा हो, जैसे कि मार्बल लगनी हो या टाइल लगनी हो, ये सारी चीज़ें उसमें दिखा रखी होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, इस तरह की और वीडियो चाहो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।